काले धन पर लगाम लगाने के मकसद से आयकर विभाग ने आज नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते में पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया है तो 28 फरवरी तक जमा कर दें। कुछ जनधन खातों, बेसिक अकाउंट और खास तरह के टाइम डिपॉजिट को छोड़कर बाकी सभी बैंक खातों के लिए पैन जरूरी है। वहीं अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको फॉर्म 60 देना जरूरी होगा। नई अधिसूचना में इस बात का जिक्र नहीं है कि तय तारीख तक पैन या फॉर्म नहीं देने पर क्या होगा, लेकिन आम तौर पर निर्देश नहीं माने जाने की सूरत में बैंक खाते में लेन देन पर रोक लगा दी जाती है और निर्देश पूरा करने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाता है। इसी के साथ ही आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों को निर्देश दिए हैं कि वो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बचत खाते में 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा की जमा के बारे में 15 जनवरी तक जानकारी दें। साथ ही विभाग ने ये भी कहा है कि ऐसे तमाम खातों में 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक जमा कराई गई रकम का ब्यौरा 31 जनवरी तक जमा करवाया जाए। इसके जरिए आयकर विभाग ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि नोटबंदी से पहले इस खाते में पुराने नोट के रूप में काला धन तो नहीं जमा किया गया या फिर किसी ने इस खाते का दुरुपयोग तो नहीं किया। तो काले धन पर लगाम लगाने के लिए अब आयकर विभाग कुछ सख्त कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले आईटी विभाग ने पैन कार्ड को जरूरी कर दिया है और 28 फरवरी तक पैन जमा कराने का सख्त निर्देश दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।